हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 1 to 8 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है वो है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। क्या गिवन है आपको फर्स्ट पार्ट में, एक सिलेंडर की शेप का पेट्रोल का टैंक है और उस टैंक का कर्व्ड या लेटरल एक ही बात है, जो उसकी बाहर की साइड का है वो लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। जिस मेटल शीट से उसको फोल्ड करके बनाया गया, आपको टॉप और बॉटम पार्ट नहीं देखना है, खाली लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। उसकी हाइट आपको गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना स्टील यूज हुआ है। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज्ड टैंक, अगर उसमें से 1/12 जो 12 पार्ट है वो क्या किसमें यूज हो गया है, इसका जो मेकिंग द क्लोज्ड टैंक उसको ओपन बंद करने के लिए यूज किया हुआ है, तो अब हमें बताना है कि कितना स्टील यूज हुआ है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.1 मीटर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2.1 के इक्वल। और हाइट आपको गिवन है, इसकी हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका लेटरल या यू कैन से कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, राइट, लेटरल सरफेस एरिया टू पाई आर एच के इक्वल है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 22/7 आर है आपका 2.1 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, कट कर सकते हो, 7 से करोगे, 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21, तो क्या राइट करोगे, 0.3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी वैल्यू आएगी 59.4 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। और सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि इसका जो है ना 1/12 पार्ट यूज होता है, उसका क्या ड्रॉ करने के लिए, क्लोज पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये वेस्ट हो जाता है, तो कितना पार्ट है जो आपका यूज होगा, 1/12 पार्ट इज यूज्ड फॉर, इसकी स्टेटमेंट एक बार दोबारा से फिर से देख लेते हैं। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील एक्चुअली यूज हुआ है। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज, 1/12 इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया है, इसका क्लोज पार्ट जो क्लोज सरफेस है उसको ड्रॉ करने बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट कर, 1/12 पार्ट इसका वेस्ट हो गया है, 1/12 वेस्ट हो गया, तो हमें पता है अगर स्टार्टिंग में 1 था तो कितना यूज्ड हुआ था, राइट, स्टील यूज्ड क्या यूज, 1 में से जितना पार्ट वेस्ट हो गया वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1/1, क्योंकि इसके पार्ट बनाने से पहले एज ए होल था और होल को क्या राइट करते हैं हम, 1, तो सबट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम क्या आ गया आपका 12, 1 से 12 को डिवाइड करोगे 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ये आ गया आपका 11/12 पार्ट। मीन्स
1/12 पार्ट तो इसका वेस्ट हो गया, और कितना पार्ट यूज हुआ है, 11/12 पार्ट यूज हुआ है, और वो स्टार्टिंग में कितना था ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में कितनी जो ये कितना मटेरियल हमने यूज किया था उसकी वैल्यू अननोन है, इसलिए उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है 11/12 ऑफ एक्स, मीन्स ये 11/12 किसका पार्ट आया है, और ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, जो स्टील आपका यूज हुआ है उस कंप्लीट जो सिलेंडर की शेप के टैंक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और सिलेंडर की शेप वाला जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ही हमने बनाया है, उसका जो उसका कर्व पार्ट भी है वो भी बनाया है हमने, और साथ में उसका जो टॉप और बॉटम पार्ट है वो भी कंस्ट्रक्ट किया है। तो दोनों को मिला के कितना मटेरियल हमने यूज किया है वो किसके इक्वल है, जो स्टार्टिंग में था उसके 11/12 पार्ट के इक्वल है। हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके इक्वल राइट करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बेस के एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस πr2। πr2 तो किसके लिए है, एक पार्ट के लिए, लेकिन हमने टू पार्ट यूज किए, टॉप पार्ट भी और बॉटम पार्ट भी, इसलिए 2πr2 यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। इसको एज इट इज राइट करते रहेंगे, 11/12 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2πrh की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी, क्या आई थी, 59.4 meter square, और इसकी अभी फाइंड आउट कर लेंगे, 2 × 22/7 r की वैल्यू है आपकी 2.1 meter × 2.1 meter। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, ऑफ एक्स एज इट इज, ये 59.4 meter square है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 27.72 meter square। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएगी आपकी 11/12 ऑफ एक्स एज इट इज, चलता रहेगा साथ में, ये आ गई आपकी 87.12 meter square। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, तो 11/12 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ के प्लेस पे यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट कर सकते हो आप। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 87.12, 12 तो कहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और 11 आ जाएगा इसके डिवाइड, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके और सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 95.04 meter square। मीन्स स्टार्टिंग में इतनी मटेरियल हमने ली थी और उसका 11/12 पार्ट हमने यूज किया, 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया है। ओके, नाउ सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन फिगर यू सी द फ्रेम, एक फिगर है इसमें आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, ऑफ ए लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड, इसको कवर करना है हमें विद ए डेकोरेटिव क्लोथ, एक डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है, द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 centimeter, इसका जो बेस है उसका डायमीटर 27 centimeter है, एंड हाइट इज 30 centimeter, और हाइट कितनी है इसकी 30 centimeter है, ए मार्जिन ऑफ 2.5 centimeter इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। क्या है कि जितनी हाइट है इसकी 30 centimeter, तो इसकी हाइट है, लेकिन हमें 2.5 centimeter ही ऊपर लेंथ ज़्यादा चाहिए और 2.5 नीचे ज़्यादा चाहिए, ताकि दोनों साइड से हम इसको फोल्ड कर दें। ठीक है, मीन्स लेंथ टोटल कितनी होगी, 30 तो उसकी हाइट है, और 2.5 एक्स्ट्रा ऊपर चाहिए, 2.5 एक्स्ट्रा नीचे चाहिए, मीन्स 5 और 2.5 और 2.5 को ऐड करोगे तो 5 centimeter और एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल इसकी हाइट कितनी, हमें क्लोथ की कितनी चाहिए अब 30 centimeter। ठीक है, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना क्लोथ हमें चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 20 centimeter, आपको क्या चाहिए, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 centimeter, और
हाइट आपको गिवन है, लेकिन हाइट जितनी आपको गिवन है उससे ज़्यादा 2.5 क्लोथ हमें ऊपर चाहिए, 2 पॉइंट ही नीचे चाहिए, तो क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और उसमें साथ में 2.5 सेंटीमीटर ऊपर फोल्ड करने के लिए और 2.5 सेंटीमीटर ही नीचे से फोल्ड करने के लिए। मीन्स टोटल हाइट कितनी हो गई अब इसकी 35 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना क्लोथ हमें चाहिए, क्लोथ कितना चाहिए हमें, जितना उसका क्या है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो राइट क्लोथ रिक्वायर्ड टू पाई आर एच के इक्वल हमें चाहिए, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर है 10 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इतना क्लोथ हमें चाहिए इसको कवर करने के लिए, ये आंसर आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 11th क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय वॉज टू सप्लाई द competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to board for the competition? क्या है, एक competition organize किया है और वहाँ पे बच्चों को क्या बनाना है, pen holder बनानी है, और pen holder किसकी shape के, sphere की, sorry आपका सिलेंडर की शेप के बनाने, और सिलेंडर की शेप के बनाने आपको पता है पेन होल्डर का जो बेस पार्ट है वो आपका बनेगा और टॉप पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर आपको पेन डालने हैं, ठीक है। तो टोटल 35 जो है ना वो स्टूडेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको मटेरियल उनको देना है, तो मटेरियल 35 स्टूडेंट को देना है, कितना मटेरियल हमें देना है ये आपको बताना है, कार्डबोर्ड कितना चाहिए उनको 35 स्टूडेंट जो पेन होल्डर बना लें। तो आपको पता है एक स्टूडेंट को कितना चाहिए बनाने के लिए, उतना ही 35 जितनी वैल्यू है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना 35 स्टूडेंट को चाहिएगा, ठीक है। तो पेन होल्डर बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए, एक तो कर्व सरफेस एरिया चाहिएगा और क्या चाहिए, बेस का एरिया, बेस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो वैल्यू आपको गिवन है, राइट करेंगे, आपको क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट आपको पता है हाइट कितनी बनानी है उनको 10.5 सेंटीमीटर, और अब आपको क्या चाहिए, कार्डबोर्ड कितना चाहिए, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, एक तो लेटरल पार्ट में जो यूज होगा वो, और बेस पे यूज होगा वो, बेस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टॉप पार्ट में नहीं है इसलिए पाई आर स्क्वायर आएगा, अगर टॉप पार्ट में होता तो 2 पाई आर स्क्वायर आता। अब इस वैल्यू को हम सोल्व कर लेना आप, ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा जितने एक स्टूडेंट को चाहिए इसके लिए मटेरियल, और आपको कितने स्टूडेंट के लिए चाहिए, ये चाहिए आपको 35 स्टूडेंट के लिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप सोल्व कर लेना, ओके, थैंक यू।